हेलो फ्रेंड्स, आप चाहे वॉक कर ले या जुम्बा या फिर योगा या आप घंटों जिम में वर्कआउट क्यों ना कर ले, लेकिन डाइट अच्छी ना होना तो ये सब का कोई फायदा नहीं। सब्जियों और फलों को अपने भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि अनेक रंगों की सब्जियां खाएं। अपनी और आप सभी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। गर्म कढ़ाई में एक चम्मच घी या बटर डालते ही फटाफट से इसमें डाल देंगे चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड ग्रीन चिलीज भी। इसी वक्त सफ़ेद तिल भी डाल देंगे ताकि साथ में वो भी रोस्ट हो सके। मीडियम फ्लेम में एक मिनट लगभग इसे भूनी हूँ लगातार चलाते हुए। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना ही। तो इसी टाइम पर डाल देंगे चॉप्ड प्याज भी। तो यहाँ मैं एक छोटे साइज को प्याज को इस तरह बारीक चॉप कर ली हूँ, तो उसे ऐड कर देना है। इसे भी बहुत नहीं भूनूंगी, बस इसका क्रंच बना रहे, हल्का ही भूनना है। अभी जो ब्रोकली काट रही थी ना, उसे भी इसी टाइम पे ऐड कर देना है। तो फटाफट से सारे ब्रोकली को इस कढ़ाई में डाल देंगे। सब्जियों को इतना कलरफुल बनाऊंगी कि बड़े तो बड़े साथ में बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाए। कुछ देर मिक्स करने के बाद ना इसे कवर करके पकाऊंगी। तो कवर करने से पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि खाते वक्त ना ब्रोकली कड़ा ना लगे, सॉफ्ट हो जाए लेकिन क्रंची भी रहे साथ में। तो नमक को मिक्स करते हुए इसे कवर कर लेते हैं। लगभग एक मिनट कवर करके पकाई हूँ तो ब्रोकली हल्का सा सॉफ्ट हो गया है लेकिन क्रंची है। इसी टाइम पे डाल दूंगी ये बची हुई सब्जियाँ जिसमें दो कलर की जुकिनी और कैरेट है साथ में। तो सारा का सारा इसी टाइम पे डाल देना है। सारी सब्जियां डाल देने के बाद इस टाइम पे गैस का फ्लेम कर देंगे हाई पे और इसे लगातार इस तरह चलाते हुए पकाएंगे। अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं करना है, बस पक जाए उतना ही। और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच। साथ में इसमें मैं कुछ सॉस भी ऐड कर रही हूँ जिसमें विनेगर, सोया सॉस, टमाटो केचप, साथ में चिल्ली सॉस भी है। ये सारे सॉसेस ना ऑप्शनल है, इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोची सब्जियों को टेस्टी बनाया जाए तभी सभी घर वाले अच्छे से खाएंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखें, यदि सॉस ऐड करना है तो नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक रहता है। जब सब्जियों में सारे सॉसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस सब्जी को ना चाहे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी खा सकते हैं। ये कलरफुल सब्जी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।